हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। आज तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आज घर पे आ गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं घर भी आऊँगी, बिना प्लानिंग के मैं आ गई यहाँ। तो घर वाले भी सरप्राइज हो गए। अब दिल्ली से मेरा घर काफ़ी पास है, सोचे चलो चल लेते हैं, क्या ही जाता है। हेलो दोस्तों, लेट्स प्रिपेयर फिश करी नाउ। ये मैंने सरसों, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, काली मिर्च ले लिया। अब हम इसको मिक्सर में पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब हम इसको फिश के साथ मैरिनेट करेंगे। अब हम इसमें हल्दी नमक डाल के मसाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। चलो अब सरसों के तेल में इसको फ्राई कर लेते हो हैं। गया हमारा फिश फ्राई रेडी। ये ये आ गई आकांक्षा, मेरी दोस्त कोचिंग के स्कूल की। ये हम आ गए हैं यहाँ पे, क्या मांझी पार्क इसको बोलते हैं, हनुमान नगर पार्क। जीतन राम मांझी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थोड़े दिन के लिए बने थे, उन्होंने ही बनवाया। उनका घर यही सामने है। जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े, जब नैन ये छोड़े रूल सभी, और खुल के कर ले भूल सभी, भूल सभी, भूल सभी। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है कुछ, चटक गया है ये मन, अटक गया। पहले इतना नहीं था, फ्लावर वगैरह अब ज्यादा हो गया है। वेल कल्चर्ड। हाय, अब हम यहाँ से घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पहले तो मॉल वॉल देखते हैं, कोई नया मॉल वॉल दिखेगा थोड़ी देर। ये हमारे यहाँ का हनुमान नगर पार्क इसको बोलते हैं। आज तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम ठंड है ना। हाँ, आज तो धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, इसलिए हम सोचे आज थोड़ा साल का आखिरी दिन है तो थोड़ा चलो बाहर घूम फिर लेते हैं। और आज रोहिणी भी आने वाली है, उससे भी हम लोग आज मिलेंगे। ये भी उसको जानती है। हाँ, मतलब मिल चुकी है। कितने बार मिली हो तुम? दो तीन। हाँ, और ये बच्चों वाला तो पार्क है, देखते हैं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और आकांक्षा, इतने दिनों बाद मिल के कैसा लग रहा है? जैसा हाँ? लगता है हमेशा बहुत अच्छा। ये बहुत कम बोलती है, ये इतना कम बोलती है कि इसकी आवाज़ सुन लो तो मतलब ऐसा हो जाए। ये हमारी ठहरी सॉफ्टवेयर डेवलपर, कहाँ काम करती है? वोडाफोन आइडिया, सब जानते ही हो। कुछ भी कहीं भी कोई पूरे सिम में खराबी हो तो ये हमेशा ही एकदम रेडी रहेगी। हम इसका कॉन्टैक्ट इन्फो, इनका कॉन्टैक्ट इन्फो हम वो चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे। यार आज का मौसम सही है ना, ठंड वंड तो बिल्कुल भी नहीं है। और बताओ, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं तो, है ना। और अकांक्षा, मज़ा आ रहा है एकदम काफ़ी। चलो कुछ तो करते हैं बैठ के, बताओ क्या करें। सुना दो। और क्या मेरा गाना सुन के यहाँ पे लोग, जानती हो, रो देंगे यहाँ पे। ट्राई कर लो। सही में गाए क्या? ठीक हाँ। है, इतना तुम रिक्वेस्ट कर रही हो तो। चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा, बन जाऊं मैं अगन, दहक रहा है बन के सरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना, करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा, नमः नमः नमः, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा, नमः नमः नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ। चलो यहाँ से चलते हैं नागरमल मॉल, वहाँ जाके रोहिणी से मिलेंगे।
ये आ गए हम नागरमल मॉल। अब यहाँ पे रोहिणी आएगी, उसे मिलते हैं। हेलो रोहिणी, हाय, बोलो ना। पूछ रहे हैं क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको बोलते हैं चना चोल। रोहिणी खाओ चना, जोर गरम। कैसा लगा? बढ़िया है, मस्त। आकांक्षा तुम्हें कैसा लगा? लो अब चल के देखते हैं अंदर शॉपिंग। ये कुछ मिला ढंग का, पर है भी तो फुल वाजी, ये भी सही है। कंचा कुछ पसंद आ रहा है? पसंद आके क्या करना, वर्क फ्रॉम होम में बैठे क्या पहन के बैठी। ये भी बात सही है ना रोहिणी? सही बात है। कोयला जा रहे हैं हम तो। यार डेकोरेशन कितना मस्त है। हुआ डिसाइड तुम लोगों का? इन लोगों का मेन्यू ही अभी तक डिसाइड नहीं हो गया। आधे घंटे हो गए इन लोगों को देखते देखते। और क्या, जल्दी करो। अरे नहीं, मज़ा आ रहा है मुझे तो, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी आ रहा है, मज़ा है ना। हाँ, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे तुम बताओ? चलेंगे ऐसे ही कहीं पैदल यात्रा करेंगे, पथ यात्रा। से वेट किया नहीं जा रहा है, मायूस लोग। बिहार में, अरे पास बिहार में पहाड़ी वाला फील ले रही है। हिमाचल से मन नहीं भरा रोहिणी है, बताना। अभी फिर जाना है हिमाचल। पनीर टिक्का पहाड़ी को टेस्ट करो और बताओ कैसा है। कैसा लगा आकांक्षा? पटना वाले लोग को पहाड़ी खाना पसंद आ रहा है। कैसा लग रहा है आकांक्षा पटना में पहाड़ी वाला खाना? जाना तो नसीब में है। नसीब हो जाएगा, हम ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। पीने भी दो भाई, जल्दी करो। बस थोड़ा सा दिखाओ तो, ऑडियंस को दिखना चाहिए ना कि कोयला आके बस कोयला ही। ले लो ले लो, ये बच्चे हैं। उतना मज़ेदार नहीं लगा, तू बता कैसा है? अरे हम भी टेस्ट कर। ये बातें हम छुपा देंगे। इतना आकांक्षा पीने में क्या व्यस्त हो गई। ठीक है, स्ट्रॉबेरी शेक है, मान लीजिए अमीरों का ही होता है ना। नहीं 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 नहीं, गरीबों का। बाय बाय। तो और मज़ा आया? बताओ रोहिणी कैसा लगा आके? मज़ा आया। आकांक्षा कैसा लगा? हो बिना गोलगप्पे का तो दिन ही नहीं पूरा होगा भैया। कितने? 10 का। समोसे के फिलिंग के लिए मैंने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च काट के रख लिया है। ये मैंने आलू को बॉईल करके इसको मैश कर लिया है अच्छे से। मूंगफली को भी मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया है, हम इसको आलू में डाल लेंगे। अब हम प्याज को सरसों के तेल में फ्राई कर लेंगे। इसमें कटी हरी मिर्च, धनिया, लहसुन अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। सबको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ये ब्राउन हो गया, अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, थोड़ी सा जीरा पाउडर, हरी मिर्च ऑलरेडी मैंने डाल दिया, अब इसको थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मूंगफली के दाने भी डाल देंगे और सबको एक बार चला लेंगे। मैं मैश किया हुआ आलू डाल के और थोड़े देर इसको भी चला लेंगे। ये हो गया हमारा फिलिंग रेडी।
अब चटनी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हरी धनिया, मिर्ची, लहसुन, थोड़े से थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैंने लेके इसको अब मिक्सी में मैंने पीस लिया है। अब इसमें सरसों का थोड़ा सा तेल डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे इसमें, थोड़ा नींबू, और ये चटनी हमारा रेडी है। ये समोसा और चटनी बनके तैयार। हैप्पी न्यू ईयर। हमने ये छोटा सा प्रिपरेशन किया है भाई बहनों के साथ। Thank you.